अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ वकार बिन जमाल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आई एम फॉर सी एस एस ऑनलाइन अकेडमी। सो गाइस, आज का हमारा जो लेक्चर है पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 5। सो इससे पहले जो लेक्चर्स लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए। हमने पाकिस्तान एज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट कवर कर लिया, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान का जो गवर्निंग सेटअप है, ठीक है, और ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिला के हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज का लेक्चर नंबर 5 है। और उससे पहले कि अगर आप सबसे पहले दफ़ा मतलब फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब लेक्चर पे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे ऑप्शनल और सब्जेक्ट्स के, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, वो तमाम लेक्चर्स आप जो है ना यूट्यूब चैनल से देख सकें। और इसे अपने फ्रेंड्स के दरमियान फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आता या आप समझते हैं कि आप किसी पॉइंट से एग्री नहीं करते तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो उसको स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। आज का टॉपिक है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस देखते हैं जी, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस कैसे हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, या सिविल मिलिट्री रिलेशंस होते क्या हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बारे में मतलब सुनते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो डिबेट्स हो रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, ये फौज कर रही है, ये फलां कर रहा है, ये फलां एजेंसी है, तो इस तरह की बहुत सारी एक मतलब डिबेट चल रही होती है। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो CSS एस्पायरेंट्स हैं वो तो देख रहे हैं लेक्चर, उसके अलावा भी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है बाकी लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं इस टॉपिक को देखने की। सो अगर आप ये लेक्चर मेरा लेना चाह रहे हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस में रिलेशंस पे मेरा लेक्चर सुनना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक वीडियो नंबर 3 के एंड तक ये लेक्चर सुनिएगा, तभी आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और सिविल मिलिट्री रिलेशंस की सही समझ आ सकेगी। अगर आप एक वीडियो छोड़ के मतलब देख के छोड़ देंगे तो फिर आपको सिविल मिलिट्री रिलेशंस की ना ही समझ आएगी और ना ही मेरे परसेप्शन की समझ आएगी इसके हवाले से जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे है। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ CMR। रिमेम्बर, ये मैं अब्रीवेशन यूज कर रहा हूँ सिविल मिलिट्री रिलेशंस का। तो अपने कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, किसके कंसेप्ट्स को, सिविल मिलिट्री रिलेशंस होते क्या है। अकॉर्डिंग टू व्लादिमिर रुकवेशनिक एंड माइकल पॉफ, इनके इन दो फिलोसफर्स के मुताबिक, या आप कह लें कि इन दो ऑथर्स के मुताबिक सिविल मिलिट्री रिलेशंस क्या हैं। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन सिविलियंस पीपल विदाउट आर्म्स, मतलब जो लोग आर्म्स के बगैर हैं, हथियार के बगैर हैं, आर्म्स से मुराद बाजू वाला आर्म्स ही, आर्म्स से मुराद वेपन्स। ठीक है, द सोसाइटी एट लार्ज एंड द मिलिट्री द पीपल विद आर्म्स। द सोसाइटी जो यानी कि जो माशरे के जो लोग होते हैं वो सिविलियंस होते हैं, और बाकी जो पीपल विद आर्म्स यानी जिनके पास वेपन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, वो मिलिट्री कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसकी क्या बेसिस हैं, और पाकिस्तान में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस कैसे हैं, किस तरह से होने चाहिए थे, या क्या क्या हुआ, ये सब हम देखते हैं। अच्छा, सिविल मिलिट्री रिलेशन का मेजर इंडिकेटर देखते हैं हम क्या है। मेजर इंडिकेटर विच वी कैन टेक एज द इंडिक्शन इंडिकेशन ऑफ द गुड रिलेशन ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन स्पेशली इन पाकिस्तान इज टेक सिविलियन कंट्रोल कैन ओनली कम थ्रू डेमोक्रेसी। ठीक है, सिविलियन कंट्रोल कैन ओनली कम थ्रू डेमोक्रेसी। तो हम ये बात कहते हैं कि मतलब सिविल मिलिट्री रिलेशंस हम उस वक्त बेटर समझते हैं कि जब डेमोक्रेसी के जरिए सब कुछ हो रहा हो। रिपीटेड मिलिट्री टेक ओवर ग्रेटली हिट दिस इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर बताया है कि अगर आपके कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो आपके कंट्री में डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते क्योंकि डेमोक्रेसी इंतहाई
निचले लेवल से स्टार्ट होती है। सिर्फ इलेक्शन का हो जाना या इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना डेमोक्रेसी नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अच्छे होने का इंडिकेटर आप इसको कह सकते हैं। इट मीन्स दैट द स्टेट ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन इज़ बैड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो अगर आपने देखा है कि बहुत सारे मिलिट्री के हुए मार्शल ला लगे हुए हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप वो हमेशा से ख़राब रहे हैं। If democracy is allowed to function smoothly, it will mean that civil-military relations are strong in Pakistan. Ruled by military dictatorship means that the civil-military relations are weak in Pakistan. ठीक है, अगर कोई डिक्टेटरशिप है जैसे मुशर्रफ के दौर में, ज़िया के दौर में, अयूब के दौर में आप बात करें तो डिक्टेटरशिप थी, और जब डिक्टेटरशिप है तो मीन्स के सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो कमज़ोर है। ये हमने इसको डिफाइन कर लिया और इसका इंडिकेटर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम हिस्ट्री ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान में देखते हैं और इसके जो बेसिक जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो भी देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश लेगेसी। अब ब्रिटिश लेगेसी कैसे है कि हमारे जो बहुत सारी चीज़ें हमें विरसे में, ब्रिटिशर्स विरसे तो नहीं कह सकते आप, यानी कि ब्रिटिशर्स की तरफ से उनका दिया हुआ सेटअप, उनका निज़ाम, उनका गवर्नेंस सिस्टम मिला। कॉलोनियल पर्पस टू रूल ओवर इंडिया। अब सिविल मिलिट्री रिलेशन के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, कॉलोनियल पर्पस टू रूल ओवर इंडिया। अब वो जिस पर्पस के साथ उनका जो गवर्नेंस सेटअप था वो इंडिया पे रूल आउट करने के लिए था, यहाँ से फ़ायदे उठाने के लिए था, और बदकिस्मती से हमने भी वही स्ट्रक्चर गवर्नेंस का वही अभी तक हम भी फॉलो कर रहे हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो भी तकरीबन जाके कोई आप कह लें कि 26 इयर्स के बाद हमारा पहला जो है ना डेमोक्रेसी बेस्ड जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब ये भी उसी तरह से उन्होंने अपने एतबार से सेट की क्योंकि उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था। रोल ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इन द कॉलोनी। अब ये चीज़ भी उसी से मिलेगी कि उस वक्त ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल था कि आवाम को जो है ना बेवकूफ़ बना के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस कॉलोनी से उठाना, और कॉलोनी का बनाने का मकसद क्या होता है कि मदर कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। मदर कंट्री मीन जिस कंट्री ने कॉलोनी बनाई हुई, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई थी तो ब्रिटिशर्स इसके मदर कंट्री, तो उन्होंने उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी भी इसी तरह से डिज़ाइन की हुई थी। ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन इन कॉलोनियल इंडिया। ये भी हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो है ना डेमोक्रेसी आई या उसके अंदर किस हद तक पुख्तगी आई या उसका कल्चर क्या था या इंस्टीट्यूशन कह सकते। लिटरेसी रेट इन द कॉलोनियल सोसाइटी। अब कॉलोनियल सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसमें लिटरेसी रेट डेवलप नहीं होने देते हो, स्पेशली अगर आप सोशल साइंसेस की बात करें, सोशल साइंसेस की तरफ तो बिल्कुल भी वो तवज्जो नहीं देने देते, क्योंकि सोशल साइंसेस अगर किसी सोसाइटी के स्टूडेंट से लोग पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट उन्हें गवर्नेंस करना, गवर्नेंस को समझना, इस तरह की हुकूमत की पॉलिसी या गवर्नेंस के जितने भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं लोगों को रूल आउट करने के लिए, वो सब लोगों को समझ आ सकते हैं सोशल साइंसेस से। और यही एक वजह थी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पर सोशल साइंसेस नहीं के अदारे नहीं बनाए, उन्होंने जितने भी अदारे बनाए नेचुरल साइंसेस के बनाए, उन्होंने तमाम जो मतलब कोशिशें की, आप देख लें उनके जो बनाए हुए इधर अदारे हैं, HCN है, बाकी जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इस तरह के जितने भी अदारे, उन्होंने सोशल साइंस पे कम तवज्जो दी क्योंकि सोशल साइंस आपको अवेयर करती है, जबकि उनका फोकस रहा नेचुरल साइंस पे। तो नेचुरल साइंस से मुराद यही था कि लोगों से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम सर्विसेज ले सकें, फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी विद इन द सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आज़ादी के बाद वो उस ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उस माइंडसेट की ब्यूरोक्रेसी थी, और उसका क्या रोल रहा पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, चौधरी मोहम्मद अली ने बनाया था, और वो एक ब्यूरोक्रेट थे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा है कि जो इन लोगों को पावर एक्सरसाइज करने की अपॉर्चुनिटी फ्राम करता है, प्रोवाइड करता है। ब्यूरोक्रेसी सुप्रीमेसी ओवर डेवलपिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये भी उस जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके उसका जो फ्रेमवर्क था, आप यह कह लें उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि उसने जो पॉलिटिकल
थॉट डेवलप्स हो रही थी, या पॉलिटिकल आप कह लें कि एक थिंकिंग कंट्री के अंदर डेवलप हो रही थी, उसको उसने मार्जिनलाइज किया। टॉप लीडरशिप्स डिपेंडेंसी ओवर ब्यूरोक्रेसी, अब जो कंट्री की लीडरशिप थी उसका भी इन्हसार डिपेंडेंट थे वो किस पे, ब्यूरोक्रेसी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत देर से बना। पंजाबी मुहाजिर हेजमनी, ये भी उस वक्त रेस लगी कि हेजमनी किसकी होगी, हेजमनी मराद हु विल बी द डोमिनेंट, कि कौन डोमिनेंट होगा, तो डोमिनेंसी की भी वहाँ पे उस वक्त रेस लगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इन्फ्लुएंस किया। ये देख लेते हैं और उसके बाद हम रीजंस देखेंगे कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की पाकिस्तान के अंदर क्या क्या रीजंस थी, कमज़ोर होने की वजह क्या क्या थी, या अभी भी वजह क्या क्या है। अच्छा, 1947 से 1951 तक जो पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशंस थे, आप कह सकते हैं कि वो अच्छे सिविल मिलिट्री रिलेशंस थे, इस एतबार से कि उस वक़्त कायदे आज़म तो की तो अर्ली डेथ होगी, लेकिन कायदे आज़म के जो जो नोशंस थे या कायद आज़म के जो ख्यालात या तसव्वुर या आइडियोलॉजी थी वो सिविलियन डोमिनेंस पे बेस्ड थी, और कायद आज़म ने कायद आज़म के मुताबिक आर्मी का काम जो है ना वो कंट्री को सर्व करना था, और उनका मतलब इकतदार से या जो सिविलियन सेटअप है या जो पॉलिसीज़ हैं उनसे कोई लेना देना नहीं था कायद आज़म के मुताबिक। लेकिन कायद आज़म की अर्ली डेथ हो गई और उस वक़्त इनफैक्ट क्योंकि रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस इसलिए जारी था कि ये पाकिस्तान वो हिस्सा था जो बरेसगीर का या उस वक़्त के आप कह लें कि कॉलोनियल इंडिया का, जिसमें उस वक़्त डेवलपमेंट बहुत कम हुई हुई थी, ठीक है, और हमें इंस्टीट्यूशन भी डेवलप नहीं मिले। तो उस वक़्त की जो आर्मी थी उस वो क्योंकि ब्रिटिशर आर्मी से डिवाइड होकर इधर आए हुए थे जो मुसलमान थे उसके अंदर, और उनकी एक बड़ी तादाद थी, तकरीबन 33% मुसलमानों की उसके अंदर तनासब था मुसलमानों का। तो वो उन्होंने यहाँ पे अब जो आपका कराची का सेक्रेटेरिएट था उस वक्त का वो आपकी आर्मी ने बनाया था, तो ये एक मतलब इस्टेब्लिश्ड अदारा था उस वक्त से। तो उस वक्त कह सकते हैं कि रिलेशन तकरीबन ठीक रहे लियाकत अली खान की डेथ तक। फ्रॉम 1955 टू 1958 सिविल मिलिट्री रिलेशन, इस दौरान आप ये कह सकते हैं कि इस दौरान ब्यूरोक्रेसी ने रूल आउट किया, ब्यूरोक्रेसी फॉर्म में आ गई सही, और ब्यूरोक्रेसी ही ने आपका जो ना गवर्नेंस सेटअप भी बनाया, मतलब आपके जो नॉन पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स चूज़ किए गए उनमें अयूब खान को भी चूज़ किया गया। लेकिन इस दौरानिए में जो मिलिट्री ने पब्लिक के नज़दीक अपनी वर्थ बनाई इस तरह से कि बाकी अदारे तो डेवलप और इस्टेब्लिश्ड नहीं थे उस तरह से जिस तरह से मिलिट्री था, तो मिलिट्री ने आवाम के अंदर पब्लिक के अंदर अपनी वर्थ बना ली थी। फ्रॉम 1958 टू 1969, 1958 में हमारा पहला जो मिलिट्री को हुआ या माशाल्लाह लगा अयूब खान की तरफ से, तो उसके बाद जो है ना सिविल मिलिट्री रिलेशन आप कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हुए, उसमें मिलिट्री ने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया और पूरा अथॉरिटेटिव आप कह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव जो सिस्टम था गवर्नेंस का वो लॉन्च किया गया अयूब खान की जानिब से, और उसका या जो भी उस वक़्त के जो मतलब जो आर्मी के जो कमांडर्स थे उनका परसेप्शन ये था कि डेमोक्रेसी जो है ना वो बेसिक डेमोक्रेसी का परसेप्शन ये था कि डेमोक्रेसी बड़े निचले लेवल से आती है, ठीक है, उनका बहुत निचले लेवल, तो और उनका ख्याल ये था कि डेमोक्रेसी निचले लेवल से डेवलप की जानी चाहिए, और उन्होंने इसके लिए जो कोशिशें की जो बल्दियाती इलेक्शन वगैरह अरेंज करवाए। लेकिन एक चीज़ हिस्ट्री बताती है कि उन्होंने भी मतलब जिन जिनसे खतरा था उन लोगों तमाम को नाहल करार दिया अपने उस इलेक्शन के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि उस इलेक्शन में भी रिगिंग हुई हुई थी जो इलेक्शन अयूब खान के दौर में हुए थे, क्योंकि मिलिट्री कंट्रोल पूरा चाह रही थी पूरी तरह से। अब ओवरऑल आपकी इकोनॉमी ने उस अरसे में जो है ना वो अच्छा ग्रो किया, लेकिन जो आपका सिस्टम था जो गवर्नेंस सिस्टम था या आप कह लें कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट थी वो बड़ी मुतासर हुई। 1956 का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो एब्रोगेट किया जनरल अयूब ने, और 1962 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो फुली प्रेसिडेंशियल पावर पे बेस्ड था। फिर 1969 से 1977 पे बात करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, इस पर हम वीडियो नंबर टू में बात करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं बाकी आगे की चीज़ें।